Hi, hi guys emman momin welcome to another exciting episode of what's up world one? one हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया बहुत एंजॉय किया बड़े कमेंट्स आए मुझे कुछ डीएम्स भी आए लोगों ने शो की तारीफे की और मुझे कुछ कॉल्स हर दफा डीएम्स आते हैं अब इस तरफ कॉल्स भी आ गए जान के मुझे डाउन प्ले करता है कि मुझे पर्सनल डीएम्स आए थे मां मुझे कुछ दोस्तों ने कॉल्स की उन्होंने कहा कि को हमने बड़ा पसंद किया बड़ा एंजॉय किया गैलेक्सी के जो एक ट्रेडमार्क होता है ना जरा स्टाइल कवरेज वो हमने देखी तो बड़ा लोगों ने इसको पसंद किया तो अच्छा लगता है लोग कॉल करें दोस्त वगैरह मेरे दोस्त तो... कहाँ कॉल करो मुझे <laughs> <laughs> मुझे भी कॉल से मैं वैसे खुद बहुत दुखी था लास्ट वीक ईमान जानती है पूरा हफ्ता मैंने बड़ा दुखी गुजारा इस शो के हवाले से तो शो हमारा बहुत लेट लगा रात को तो ये बात समझना बहुत अहम है कि रिलीज डेट और रिलीज टाइमिंग बहुत की होती है चाहे वो कोई फिल्म हो कोई ड्रामा हो true. तो यूट्यूब का शो हो true, 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 शो हमारा लगता है आठ बजे तो वो एडिटिंग मसला कुछ हो गया और वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मसला हो गया दोबारा शो को एडिट किया फ्रॉम स्क्रैच तो करते करते हमें लगा दस लग जाएगा ग्यारह लग जाएगा बारह लग जाएगा रात को आई थिंक वन लगा वो तो मैं बहुत दुखी था इतना हमारा पैक्ड शो था इतना कंटेंट इतना मसाला इतना कुछ रात को लेट लगा और आई शुक्रिया शो पिकअप करता गया और ने देखा उसको शेयर किया प्यार किया बंपर ओपनिंग लगती फिल्म को वो लगती है इस कोई नहीं कोई नहीं फिर आ जाएंगे कोई और अवार्ड शो भी ओपनिंग खेल लेंगे तो ये तो है। के साथ ही है। हाँ। कभी ओपनिंग होगी नहीं ऐसी है कि कम आए मतलब अच्छे कमेंट्स बहुत कम आए लेकिन वो लेट सारे लगे डीएम से, चले के <laughs> में से <चले> के <laughs> में जो है सारे कमेंट्स पढ़ती हूं तो जस्ट टू क्लैरिफाई मैं जो डीएम की और कॉल्स की बात था मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ कॉल की मैं सुमन ने मुझे कॉल की हसनात ने कहा कि शो को बड़ा पसंद किया और आपको अच्छा लगता है जब लोग आपसे जो बात भी करते हो ना वो भी शो को देखते हो तो लगता है

एक ढके छुपे अंदाज में एक थोड़ी कंफ्यूजिंग से अंदाज में आप लोग भी अक्सर हमें कमेंट करते हैं कि भी बात करें इसकी शो में हमने बात की भी आई थिंक एका दफ़ा बट कुछ क्लैरिटी नहीं थी इस बारे में कुछ खुल के बात नहीं हो रही थी स्टोरियाँ लगती थी डिलीट होती थी, थी पोस्टें आ रही हैं अनफॉलो फॉलो और इसी बात हम लोग कह रहे हैं सुबह फैसल उनके बेटे सलमान फैसल उनकी बीवी नेहा मलिक के बारे में कभी पिछले दो सालों से एक बात चलती आ रही थी कि कुछ नहीं समथिंग इज़ अमेज समथिंग इज़ रॉन्ग और बयानत भी आ रहे थे लेकिन वो बयान किसके लिए थे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था और जब सुबह फैसल को किसी ने पूछा भी था ऑन रेकर्ड्स के बारे में मुझे याद है उन्होंने कहा था कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है उन्होंने बाबा थोड़ा पर्दा डालना चाहा बट अब आई थिंक उन्होंने क्लियरली एक बयान दिया पूरे मामले के बारे में और फिर भी कॉमेंट किया प्रॉपर बात सामने पब्लिक आ चुकी है तो हम लोग इस पर बात करेंगे शो में एक्जैक्टली वट हैपेंड थोड़ी अपनी, अपनी टू cents भी देंगे तो आई थिंक स्टार्ट सब कुछ वह रात को जब सोफेसिल जी की एक वीडियो सामने आई जहाँ पे वो बात करी थी यू नो इस पूरे चीज़ के बारे में कि मैं खमोशी इस पर रखना चाह रही थी मैं बात करना नहीं चाहती बट अब आई फील मुझे बात करनी होगी उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है और जो मेरी उसकी बीवी है जो मेरी बहू है उन्होंने ये कहा कि मैं ताल्लुक रखना नहीं चाहूंगी नेहा से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और सलमान ने उसके साथ रहना है तो सलमान के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है ना मेरा ना मेरे मियाँ का ना मेरी बेटी का ना अरसलान का हमारा कोई वास्ता नहीं है सलमान के साथ आप थोड़ा इरावट करेंगी बेसिकली उन्होंने बोला मैं बहुत देर से चुप रही हूँ बहुत से लोग जो हैं नेहा की वीडियोस वगैरह के नीचे मुझे गालियाँ देते थे कभी भी आपको जजमेंट नहीं करनी चाहिए एक साइड द स्टोरी सुन के जो लोग नेहा की पोस्ट पर मुझे गालियां निकालते हैं मेरे मैं कभी भी मुंह नहीं खोलना चाहूंगी क्योंकि मैं मुंह खोलूंगी तो आप सब थू करेंगे मैं गहराई में जाऊंगी तो आप लोग इतना थू करेंगे जो कि मैं नहीं चाहती घर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए बस मैं इतना कह सकती हूँ बहुत ही मुश्किल औरत थी और चार साल मैंने इस औरत के साथ कैसे गुजारे हैं मुझे पता है मुझे मैं पिछले चार साल से बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ अपने बेटे की वजह से अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा सैड फील होता है कि उसकी जिंदगी आगे कैसे होगी यही सोचती रही कि मेरा बेटा कैसे जिंदगी गुजारेगा ऐसी औरत के साथ में तो उस वाले आंगल में मैं एक दफा कहना चाहती हूँ कि नेहा के साथ मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है मैं नेहा से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इसके बाद फिर उन्होंने कहा अब, अब सलमान हाँ। उनका अगर साइड लेते हैं उनके साथ रहते हैं तो मेरा सलमान से भी कोई ताल्लुक नहीं है और सलमान ने उसके साथ रहना है तो सलमान के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है तो और ये भी कहा कि एक माँ का बात करना बहुत एक बड़ी बात होती है वो दुखी भी थी इस पूरी चीज को लेके उन्हें बात करना मुझे वीडियो बनानी पड़ी है बट वो एना वे क्लियरिफिकेशन दे रही थी कि इन लोगों के साथ कोई लिंक नहीं है एक माँ जब ये लफ्ज बोलती है तो आप समझ सकते हैं ठीक है थैंक यू और फिर जो सलमान के भाई सभाजी के बड़े बेटे उन्होंने भी एक यू नो एक

कि नेवर कंपेयर यू लाइफ विद द वन हु इंजॉयज हराम दे माइट लुक मोर सक्सेसफुल देन यू और हैव मोर फन देन यू बट इन फ्रंट ऑफ़ अल्लाह देर नथिंग एंड दैट्स वट मैटर्स तो उन्होंने ये एक स्टेटमेंट की

हाँ, 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 तो उन्होंने कर तो बात करी हराम वाली हाँ तो फिर उन्होंने बोला कि एक क्लोज फैमिली फंक्शन था तो एक साइकोपैथ बुली जो हमें काफ़ी देर से इस तरह तंग कर रही हैं हमारा बॉन्ड डे वन से तोड़ना चाह रही थी खुद अपनी डिसफंक्शन फैमिली है तो हमारा भी इस खराब करना चाह रही थी उनकी अपब्रिंगिंग आती है इसमें बीच में चार साल से मेरी फैमिली को सोशल मीडिया पर टारगेट कर रही हैं इनका बस नहीं चल रहा था हमेशा एक नेगेटिव बातें कर कर जो बातें ढकी छुपी रहनी चाहिए वो सब

ये से बात है बंद खिड़कियों के पीछे की बात है ये घर का उनका मामला था अब क्योंकि वो पब्लिक में आ चुका है उसकी बात हो रही हम उसपे उतना ही कॉमेंट कर सकते हैं जो हमें लग रहा है जैसे गेंद पीछे एक ही सेट, -शी सेट बात है। अगर उनसे बात करेंगे वो कहेंगे उन्होंने गलत किया उनसे कहेंगे उन्होंने गलत किया हमें नहीं पता एक्जैक्टली क्या हुआ बट कहीं ना कहीं मसला हमारे एक एक बड़ा कॉमन मस्ता है हमारी फैमिली में देखें देखे, तो अगर शादी के बाद इस तरह की बात देखो तो नेहा ये बात कहीं ना कहीं कह रही इस्लाम का हमें नहीं पता एक्चुअली किस बात को लेकर वो कह रही है बट उन्होंने कहीं ना कहीं यही एक शोभित फैमिली थी भी एक्ट्रेस है उनकी बेटी भी एक्ट्रेस है बेटे भी एक्टर है तो ये सारी फैमिली फैमिली है और बात है अगर एक आउटसाइडर का एक फैमिली

इसकी फ्लिप साइड यह है कि सबा फैसल जी उनकी फैमिली ने मुश्किल किया जीना उसका अगेन दो मैं अपनी परसेप्शन बताती हूँ जितना मैं आइडिया लगा सकती हूँ इनकी थी लव मैरिज ठीक है जो भी माएँ होती है ना हमारी सोसाइटी में उनसे ये चीज़ समझ नहीं लगती उन्हें कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाए या इस, इसको मैं चलो गलत वर्ड में कह रही हूँ कि हमारा बेटा हमारे हाँ। से अटैच है प्रायोरिटी हमेशा हमें और ये बहुत सी फैमिली में मसले होते हैं सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि जो लड़के होते हैं मुझे लड़कों के लिए से बहुत मुश्किल लगता है जब अपनी बीवी और अपनी माँ को संभालना पड़े बहुत बहुत मुश्किल बात है तो यहाँ पर होता है कि फैमिली को भी एक पार्ट प्ले

शादी इस्ट्रा, के बाद मैं, मैं ना मुझे लगता है यहाँ पे इस केस में भी कि अगर मियां बीवी का तो अपना एक बॉन्ड उन्होंने कहा भी कि हुँ. अगर मियां बीवी साथ खुश हैं तो आई थिंक उनको ले

बहुत जो होती है ना कि घर से लेदा ही कर दो हाँ, क्यों कटे रहना क्यों कठे रहना है तो दोनों तरफ होता है जो घर तोड़ने वाले होते हैं तोड़ने वाले होते हैं हाँ, तो हमें कुछ नहीं पता कौन कैसे दोनों तरफ जी तो में एक बात कहूँ ने पिछले दो साल से इस पर कुछ उन्होंने चुप्पी भरती है उन्होंने कि बात घर की बात है घर में ही रहे बस

बट कभी कभी वो लड़कियां भी बड़ी वो होती हैं वेल पता है बंदे के साथ बन जाती हैं पते पते क्या कहा उन्होंने मुझे बहुत तंग किया फिर जब लड़का जाते हैं फिर ऐसे स्माइल करती हैं सास को कोके हाँ हाँ देखा हा, मैंने अपने हाथ में कर लिया तो दोनों साइड होती हैं ऐसे मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है दोनों तरफ से गलत है प्रॉब्लम इनकी लव मैरिज थी ठीक है अब मैं एक और सीनेरियो में चली गई हूँ सलमान पहले रिलेशनशिप में के सी लेके जाते थे बस करते थे शादी के बाद वो भी थोड़ा अपना बंद पता चल जाता है बीवी बन गई अब चलो ठीक है अपनी है ना पहले जरा थोड़ा इंप्रेस करना होता है तो वो भी के सी नहीं ओह हो एग्जांपल एग्जाम्पल दे रही है खाना खिलाते हैं कुछ करते हैं तो वो वो अपनी एक्सपेक्टेशन से भी दुखी थी कि अच्छा जब तुम रिलेशनशिप में थे या पत्नी रिलेशनशिप था ये वैसे हाँ। बट इन रिलेशनशिप नहीं था सीधा ही निकाओ मैरिज थी अच्छा। तो रिलेशनशिप था ही, कि रिलेशनशिप के वक्त इस तरह करते थे अब शादी के बाद बदल गए माँ ने तो नहीं कान भरे तो खुद ही लोग एवी, बात फिर अंडरस्टैंडिंग इतनी इधर 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 भर जाती है और खुद ही आप जूम करने लग जाते हो जो सांस है अगर वो बहू को अपनी बेटी बना लें तो क्या ही हो और जो बहू है वो माँ बना लें तो क्या कभी अपने बच्चों को छोड़ना बिल्कुल हत में नहीं हो तो बहुत गलत होता है मैंने खुद आसपास होते देखा है कि पहले आप बात की हैं, तो क्या हुआ उसे रखेगा, हम नहीं कर देंगे बाद में एक पछतावा होता है इतना वो, दुख रह जाते है, वो गिले रह जाते हैं दिल में कि वो काश रह जाता है वापस हाँ, नहीं हो जाता हाँ, फिर वो ऐसी दूरियां आ जाती हैं फिर सही नहीं होता और उनके भी बच्चे हैं मतलब कि उस तरह देखा जाए तो हैं आप ऐसा लें घर का पोर्शन होता है एक पोर्शन सलमान का पार्ट है समझो सलमान आप लोग मिले उन्होंने आप नाम आप यहां ना, से ना इंटरेक्ट करो आप लोग आपस कम करो इंटरेक्ट बिल्कुल साइन अपने पोस्ट में लिखा हुआ है इनका लेदर ही घर पता नहीं कुछ उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से कुछ किया हुआ है तो फिर आई डोंट नो cuz मेरे ख्याल से ये होता है वैसे मैं इन अगर मेरी शादी होती ना तो मैं अलहदा ना होना चाहती मुझे होता है कि अगर रिश्ते हैं आपके चलो समझो मेरा बच्चा होता है मेरे बच्चों को संभाल लेंगे ये कर लेंगे हजार चीजें होती है जो आप, चलो एक फैमिली एक बे। पर पता नहीं लड़कियों को क्यों होता है कि हमने लहदा ही रहना है लेदा ही रहना है ही रहना है अलहदा हो जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए आठ नौ साल के हो जाए बच्चों को भी होता है कि हमारी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ हो कि कोई रोक टोक ना हो कुछ बड़े भी रोकते तो हर चीज में तो एक पॉइंट तक कट्टे रहें और बस सब खुशियां फैलाएं और अच्छा अच्छा करें और ने, नेहा वाली बात को क्योंकि नेहा से बहुत देर से लगा रही थी नेहा, नेहा शादी शादी मैं शाद से पहले भी वो उनको कुछ लोगों को वैसे एक भी मजहबी नहीं भी थी वो पहले मजहब के बगैर भी कोर्ट्स लगाती थी इस तरह की अच्छे लोग होते हैं ऐसे बुरे लोग होते हैं ऐसे तो किसी किसी को वैसे ही कोर्ट्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना पसंद है तो प्रॉब्लम नेहा वैसी थी और वो वैसे ही कुछ ना कुछ लगा रही थी, थी तो उनका भी अभी उस वक्त वीडियो आई थी तो उनको लगा उनको अटैक कर रहे हैं

Hmm. किसने मुझे किया था ब्लॉक किसको पता चलना था ले पब्लिक जब अनफॉलो मेरा अच्छा मैं कोड लगाती भाई कुछ इस तरह के होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं वो तो सही रहता है वो हाँ. एक वो नॉर्मल था कि मैं चाहती थी मम्मी को स्टोरी ना नजर आए मेरी तो वो तो एक डिफरेंट चीज थी ना अब मुझे पता चल गया हाइड भी होता है दिसटिक भी कर सकते हैं Ooh. और लोगों को भी पैसे लगा कौनकटीला देख ले आप लोग अपने छोड़े तो, मुझे है। हाँ तो मुझे अगर इनके इसकी जिंदगी में कुछ होता है चलो मैं इसको खुश करती हूँ पता ही ना चले इसी के साथ की हमारी दूसरी पोस्ट में आपके लेकर आए हैं दो एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स दोनों है, जी, के projects, एक के बारे में है कुछ आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे पहले बात करते हैं जी, के बारे में, तो आपको हम टीवी की स्क्रीन पर बहुत जल्द आठ बजे के प्राइम टाइम स्लॉट पर एमडी प्रोडक्शन का एक बड़ा मजेदार ड्रामा जिसके डायरेक्टर हैं शाहिद शफाक नजर आने वाला है कास्ट में शामिल हैं खुशाल खान और दानी मुबीन और, और प्रोजेक्ट का नाम है मोहब्बत गुमशुदा है बड़ा एक लाइट हार्टेड सा एक रोमांस है मोहब्बत गुमशुदा है कोई लाइट हार्टेड नहीं, नहीं हो सकता उन्होंने मोहब्बत टूट गया बिखर जोड़ी है वो जरा आप हमारे लिए भी कोई कहानी बनने बन नहीं नहीं। नहीं तो रहा है। नहीं नहीं जरूर बीच में जिसको चल रही मसले बीच में थोड़ा सा चंक आएगा जिसमे एक नंद होगी हाँ जंगे चल रही होंगी बीच में कहेंगे बेचारे यंग कपल इनको इन्फ्लुएंस भी हो रहा होगा प्यार में खुश थोड़ा फ्रेश कहानी होगी बड़ा एक यंग कपल है जब शो होगा तो आई थिंक बड़े मजदार होगा हाँ। और शो बहुत एयर होगा दानी और खुशाल दोनों के लिए दाना नीर का ये पहला शो होगा एज द मेन लीड इससे पहले वो सिंपल नजर आ चुकी हैं और कुछ

हाँ। तो भी हम हाँ। भी बड़ा मजा आएगा क्या होता है दानी से मुझे बहुत उम्मीद है मुझे बहुत पता नहीं क्यूँ वे पहले भी कह चुके हैं मुझे बड़ी कॉन्फिडेंट लगती है बहुत सी चीजें होती है ना आपको लगता है अपनी शोहरत को बड़े अच्छे और स्मार्ट अंदाज में

भी नहीं देते घबरा से होते हैं ले रही ना, भी नहीं <laughs> ले ही के साथ भी बातें कर कर आयजा बिलाल की अकेडरी में आती हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है उम्मीद उठे की चलो आएंगे इस तरह देखते चलो हम भी फिर कॉन्फिडेंट होंगे हम हाँ, भी आगे बेट जमाना है एक्सपर्ट लोगों का जो हुँ, हुँ, आगे बढ़ चढ़ के पर्सनालिटी हाँ, 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 बदलती है एकदम ही मतलब एक फंसी भी होते हैं बीच में वो दूसरी साइड भी ले जाते हैं तो

और इत्यामुद्दीन तो इसको डायरेक्ट करेंगे बट कुछ कंफर्म नहीं हुआ था और अब हुआ कुछ यूं अहादा मी ने एक इंटरव्यू दिया मैशन पे जहां पे उनसे पूछा गया इस प्रोजेक्ट के मुतालिक तो उन्होंने कहा कि आई कैन कंफर्म नॉट डिनाई बट गुड डिगिंग आई कैन गुड डिगिंग

की टीम ने बड़ी भी की लंडन में इटली मेकर्स बड़ा एक ग्रैंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं बट क्या वो जो प्रोजेक्ट क्या वो जो बच्चे संग वही होगा ये बात अभी कन्फर्म नहीं है ये शायद एक दो और स्क्रिप्ट्स का सुनने में आ रहा है बट समथिंग इज है जो बच्चे नोवेल है ना ये बड़ा प्रोजेक्ट है बड़ा नहीं है मुझे नोवेल वाला पहले कहानी बता देते हैं हम लोग बदलेंगे

एक भाई तो आहद हो चुके हैं तो सॉरी हमजा आहद नहीं कहा कि मैं बड़ा भाई प्ले करूं मैं जो तो मैंने कहा एक भाई हो चुके सॉरी हमजा बात <laughs> <आद> आ जाएंगे आई लव आहद बड़ा, बड़ा come भाई आहद बड़ा भाई छोटे भाई नहीं

बहुत अहम है बताना है कि प्रोजेक्ट बहुत ग्रैंड होने वाला है इंटरनेशनल शूटिंग होगी इसकी और एमडी का प्रोजेक्ट है और आई थिंक कहीं कि एमडी के फेवरेट जिसमें दिखेंगे आपको मायरा हो फवाद हो आहद हो एम एमडी को बताना बड़ा आसान होता है एमडी एम कोई परेशानी नहीं होती यही लोगों में से कुछ चुना जाना है हाँ। और सारे हमारे भी फेवरेट बनी हाँ, गए हुए हैं ये वाले लोग हम हाँ। जैसा हाँ कोई नहीं

फेस्टिवल का ये दूसरा साल था और सज्जल की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट वाज द ओपनिंग फिल्म ऑफ द फेस्टिवल और यहाँ पे कोई टीम मौजूद थी सज्जल थी शमाना आजमी जी शेखर कपूर जमाना खान और बहुत से इनके मीडिया इंटरेक्शन भी हुए और सज्जल बहुत प्यारी लग रही थी हुँ. वो वाइट सज्जल ने एक बड़ा कमाल का ग्लैमरस लुक भी बहुत अच्छी लग रही थी शीख आई लव हर आउटफिटिंग सज्जल यूज़ुअली ना पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स जरा कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करती हैं वो कभी कभी नहीं सही लगता होता तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा सज्जल का लुक वाज क्यूट नहीं आज हॉट था भी आग लग रही थी आउटफिट वगैरह सब कुछ आग है बट सदिल की शक्ल बड़े फीचर्स क्यूट क्यूट वाले हाँ. तो क्यूट हॉट जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल से cute लोग होते हैं हाँ मैं मैं कभी प्रेफर कर मुझे कभी पार्टनर भी चाहिए हॉट भी लग सके, सके। मैं अब कहना चाहती क्या बात सजल की बारे में सजल ने हाँ, कुछ इंटरक्शन की मीडिया के साथ बहुत सी बातें हुई और सजल बहुत देर से एक बात को जो अवॉइड भी कर रही थी कहीं की शादी के सवाल को तो वहां भी उसकी बात भी सजल ने की सजल की बात करेंगे उनके इंटरव्यू की और सजल को सेलिब्रेट करेंगे क्लिप और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि सजल

और निकल जाते तो उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली हुई कहीं कहीं से आपको जवाब देना पड़ता है आप नो नहीं कह सकते बहुत कोई एक्सट्रीम सवाल हो फिर आप नो कहते, कहते नो, 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 नो। खुश हुई थी पे। कि मुझे संभाला ने पॉइंट है सज्जल को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ा आसान था यहाँ बैठ के बोलना ये बोल लेती वो वहाँ बैठ के इंटरनेशनल प्रेस के सामने सवाल पूछे जा रहे हो आपके लिए बड़ा अपना था और जो होस्ट थी होस्ट ने कुछ नहीं देखा होस्ट <laughs> ने कोई सवाल पूछना पसंद नहीं किया कुछ आपको कि सवाल पूछा, आप उस जवाब हाँ। निकाल लेते हो सजल के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान <laughs> था अगर सजल होती मेरी तरह जिसका टेंशन स्पेन होता थोड़ा और बीच में होती थोड़ी सेकंड के लिए भी जोन आउट हाँ। गई थी सज्जन हाँ। होस्ट कुछ नहीं देखती थी होस्ट गई तुम लोग तीनों सौ बैठे आपस में बातें करो 2 मिनट्स पहले मिनट के अंदर छह बातें टच कर देती थी अब किस बात के थॉट्स से आ रहे हो आप हो सजल ने कहा था भाई <laughs> दुनिया बाहर में मेरा फोकस है पाकिस्तान, जिंदाबाद, <laughs> हमारे ड्रामे अच्छे हमारी फिल्में बहुत खुश हाँ. कि सज्जन ने बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान को एक अच्छी लाइट में दिखाया जमाइमा की भी बातें मुझे पॉजिटिव लगती हाँ. थी हमेशा से बचपन से चलो हम लाइट में दिखाते हैं हमेशा ही होता है जो भी पाकिस्तान इतना बाग बाग हो गया

one that didn't work out and we were the only divorce. तो बड़ा उनका जवाब लगा है ना हाँ बड़ा क्यूट था तरीके से उन्होंने ऐसे मूवी लिखी है और तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करेंगे किस तरह जो भी आप सीखते हो हर से तो लव अरेंज सब कुछ के बारे में और बात हो सज्जल आपका सज्जल को घबरा मैंने सज्जल तो यहां पे जवाब ही नहीं देती है इस बात को सज्जल ने कभी टच ही नहीं किया और वहां पे कहीं ना कहीं आप नो कमेंट भी नहीं कह सकते थे कि वो अपने अपने घर में पाकिस्तान कहते ना कि नहीं यार ना करो मैं बात करना चाहती बट वहां पे तो कहना पड़ना था और फिर सज्जल बोली और हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है हाँ, एकदम प्रेशर में थोड़ा गलत बोल गई वर्ड्स वर्ड गलत पिक कर लिए कहा कि यू नो इट्स टू शिबाना जी उनके एक्सपीरियंसेस जमा क्योंकि सज्जन की शादी हुई भी है वो इस तरह करती पता नहीं उनकी शादी नहीं हुई सिंगल लड़की है शादी

उसको सख्त जरूरत थी सीन काटने की वो भूल ही गया चलता रहता जब मेरा एक ठीक ठाक फिल्म थी अच्छी थी, प्रोडक्शन बड़ी कमाल की थी डायरेक्शन भी मजे के थे यहाँ पे मैं करना जो लीड एक्ट्रेस है उन्होंने बहुत की। में से डाउट से कि नहीं अच्छी मैंने ड्रामा मैंने देखा तो काम किया हीरो एंगल में मुझे अच्छा लगा उनको देखिए तीनों बहुत अच्छे लगे नए चेहरे कुछ देखने को मिले वरना वही किसी भी चले चलते हैं फ्रेश फ्रेम लगा आपको हाँ। मजे की शूट हुई थी अच्छी लोकेशन थी आउटफिट्स बहुत प्यारे अच्छी थे कलरफुल सी मजे की पूरी बात मजे की वाइब थी बस ऐसा कि कहानी उसकी बहुत ज्यादा

और फिर हम लोग ने और कुड़ने और फिर हमारे चैन नहीं मिलता है, हर तबीजी होने के बाद क्यों टॉपिक इस चीज का उठाया है हमारे सिनेमाज से तो। रान पड़े हैं हमारे सिनेमाज है, में पड़े हैं और सिनेमाज में उल्लियां लग रही है मकड़ी के जाले जम रहे हैं क्योंकि सिनेमा लोग नहीं आ रहे

हर फिल्म उनकी कोई तुक नहीं होती वो भी दिक्कत कर बस खींची जा रही खींची जा रही एक तरह की उनकी बेब्रेन शुरू होगी हम कुछ तरह की फिल्म पठान आएगी सिनेमाज में पाकिस्तान में शाहरुख खान दीपिका और जॉन इब्राहम हाँ वो उस तरह की मूवी होगी पाकिस्तान में लगेगी पाकिस्तान के खिलाफ होनी मुझे नहीं लग रहा हैं। इंडिया वाले बड़े इंडिया वाले हुए है पाकिस्तानी अच्छी अच्छी मार्केट थी वो भी थोड़े बिखरे हैं हम तो बिखरे हुए हैं तो दो बिखरे भाई शायद मिल जाए ये तो ना बिखरे भाई दोनों बिखरे हुए हैं वो भी बिखर से गए दो बिखरे भाई मिलेंगे दोनों सवर जाएंगे

खैर हम आगे बढ़ते हैं ग्यारह बे की बात होगी दूसरी फिल्म की बात करते हैं जो है जॉयलैंड जॉयलैंड जो है वो पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी है बड़ी एक स्कैटर्ड रिलीज रही उसकी पंजाब में नहीं लगी सिंध में लगी है इस्लाबाद में लगी है और शो उसके खत्म हो रहे हैं लग रहे हैं तो वो एक कॉन्ट्रवर्सी चलती आ रही है फिल्म के हवाले से अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि भाई फिल्म का एक अनसेंसर्ड वर्जन एक एच डी अनसेंसर्ड वर्जन लीक हो चुका है ऑनलाइन बहुत से सवाल उठेंगे इसको लीक किसने किया कैसे किया कुछ लोगों का मानना है कि मेकर्स ने खुद इसको लीक किया जरा हाई बनाने के लिए जबकि कि फायरसी किल सिनेमा तो वो कह रहे हैं आप वेट करें आप इंतजार करें अगर फिल्म आप तक अभी नहीं पहुंची तो आप तक पहुंचेगी आप लोग फायरसी में मत करें तो अपडेट थी कि भाई ज्वाइन हो चुकी है लीक ऑनलाइन एच डी अनसेंसर्ड वर्जन अब बात करते हैं अगले पॉइंट की जो हमारा पोस्ट नंबर फाइव का तीसरा सब पॉइंट है अबू अलिया की फिल्म की बात करते हैं तो हमने कुछ देर पहले आपको अपडेट दी थी कि अबू अलिया की फिल्म आरी सुपर पंजाबेजी कास्ट में शामिल थे आयोश उमर

आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली फिल्म के बारे में जिसके पोस्टर्स और फर्स्ट लुक हो चुके हैं लीक बात कर रहे हैं एबीजी की आसमान बोलेगा जिसमें नजर आएंगी आपको माया अली और इमाद इरफानी इसको शोएब मंसूर ने डायरेक्ट किया है और ये सुनने में आ रहा है फेब में फिल्म आएगी और ईद से फेब तो बिल्कुल ईद से पहले फिल्म आएगी ये और इसके जो पोस्टर्स थे जो फर्स्ट लुक पोस्टर वो लीक हो चुके हैं ऑनलाइन

शान तो ज़ारा शेख थे हाथ से हाथ, हाथ क्या गया हाथ से हाथ क्या गया दिल तेरे साथ तेरा जाना तो, तो मेरे जीवन में, में एक हलचल मचा गया एक और गाना भी गुनगुनाते सुनता आसमान को लगाने हाथ में ला 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 लो चली चली हवा के साथ में <laughs> लो चली चली हवा के गे साथ में ला 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 ला, ला, ला।, ला, ला।, ला, ला।, ला, ला। <laughs> आसमान लगाने हाथ में गाना <laughs> <laughs> जो बहुत पसंद है बहुत सुनते हैं लोग सारे गाने में कमाते हैं तो अब उसके बाद काफ करना भी आई थी हे आज मोहब्बत ये ताज वहाँ है हे आज सारे गाने हमने संगम हुआ संगम हुआ संगम वो भी तो आप निकली घर से करके सिंगार हो निकली घर से करके सिंगार हो गए लड़कों, तो लड़कों तो तो से टकरा गई लड़कों से टकरा सकते ना मतलब तो पहले काम कोई वो भी मतलब आई हाँ। नहीं। हाँ। नहीं, हाँ। <laughs> तो तो थी वो भी इंडिया का एंगल था लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी अब तेरे प्यार में इसका ए बी जी आसमान बोलेगा इससे हम बढ़ते पांचवी फिल्म जो है

नहीं मैं ठीक थी है।, है बट आगे है। जाके लग जब पे साजिद, करना, कराना, कुछ नहीं से बोलने के लिए अच्छा, खड़े कर रहे थे। वो, fair fair, तुम सब हमें ग्रुप

कि वो जो टीना और शालीन बैठ के बहुत डिस्कस कर रहे थे अगर ऐसे करते तो ऐसे करते वो मोहरा गिरता मैंने सारे दिमाग में बनाए अपने कॉम्बिनेशन वो कौन से मोहरे कहना चाह रहे थे किसान डांस को बहुत ज्यादा शौक है याद नहीं मुझे बकरी वाला डांस था कुछ नहीं था उसमें। कुछ भी नहीं था टीना पिक्चर

अच्छा ये क्या था निम्रत बहुत ही करती है चीनी तो निम्रत खोई हुई शालीन भी खोया हुआ तो है निम्रत का शालीन तो हर खोना बनता है शालीन जितना शालीन टैग किए जाते हैं हर हफ्ते सलमान शालीन को जितना गिराते हैं जमीन पे और लड़का जिंदा ये बड़ी बात है खान तोड़ता है निम्रत को हर की पैम्पर करता है निम्रत तो बिग बॉस की लाडली� टीना ने और शाली ने बड़ी बातें की प्लानिंग की, तो बात की बात करते होता ये वो होता मैं ना टीना की बात करनी ना मैंने शाली की बात करनी दोनों खूह में गिरी हाँ। खूह से बंद होता है खूह <laughs> के तरफ पानी जमा होता है अंकित बन <भान> के राजा दो लोग चुनने का क्या दिल क्या मैं

वो मैंने कौन था मैं बड़ी सैड फील किया था लड़का फुल अच्छा लड़का लगता है मुझे टीवी का स्टूडेंट तो ईयर में किया था उसके साथ सना के साथ करण जौहर ने हाँ जुग जुग जियो में वरुण सूद मुझे बहुत पसंद अच्छा। है वो हा, हा। वो बेचारा बड़ा खुश था उसका रोल क्या था वो उसका प्रजक्ता का बॉयफ्रेंड था उसका एक सेकंड रोल था इस तरह उन्होंने करना है हमारे साथ

अंकित बड़ा बातें हाँ, है, हाँ, बात बात तो हाँ। बाते करते हैं अच्छा एक और मुझे बात करनी है अब्दु, निम्रत और शिव की क्या तो ये? क्या है? ये मेरी एक अपनी थ्योरी है मुझे थोड़ी थी शिव चिटते मैं सॉरी कुछ कुछ बातें से नहीं बकवास बर्दाश्त होती घंटे का शो कौन देखे तो शिव ने वहा दिल लगा लिया है वो अब्दु से चिढ़ता है और अब्दु का पहले दिल लगा हुआ था वो शिव से चिढ़ता है

और टीना को सॉरी डॉग डाइट हम किसी को डाइट करते हैं उसका किसने पूछा ही नहीं भी भी बिग बॉस ने टीना खड़ा किया अब तो सही में किसी दिन छुप जाएगा ना कोई भी ढूंढने आएगा <laughs>

जिसकी लंबी सी चोटी होती है वो कौन होती है लंबी चोटी और उल्टे पैर क्या लगता है घर में कौन आया है बिग बॉस डाइन डाइन डायन पत्नी सालों ने आपसे क्यों पूछा पता नहीं आपसे ये सवाल क्यों पूछ लिया मैंने देखा <laughs> <laughs> जो नोट किए बिलेबड़ा शेमबड़ा पन मुझे याद है <laughs> तो <laughs> वो शालीन का शेमड़ापन शानी बात हुआ आ, क्या था ये बाइक चाह कर रोमांचे कुछ खोआ था कुछ, था कुछ, था कुछ पहले। तो वो मुझे याद कौन ने ने पता था अच्छा तू याद कर सौंदर ने दूसरे पास सौंदर खोली दिया फिर प्रतीक गया था

<laughs> नहीं लेकिन नॉमिनेशन में बड़ा खुश हुआ कि शुक्र है वो लोग तो मुझे लगता है बिग बॉस भी करेगी बीच में और कर देंगे कि ना कर मुझे आज तक तो ना पिछले 16 साल से बिग बॉस देख रहा हूं मैं हुँ. मुझे आज तक अभी पता चला कि बिग बॉस जब, जब नॉमिनेशन करते हैं तो वोटिंग पड़ती है तो क्या रूल होता है कभी मुझे लगता है जो सबसे हाइस्ट वालों को करता है दो और सेकंड हाइस्ट वालों को बिग बॉस मर्जी होती है कभी एक एक वोट वालों को भी कर लेगा कभी दो दो अपनी मर्जी होती है वो आपको बस बिग बॉस पे भरोसा करना पड़ता है तो हम ब्लाइड के इस दफा वही लोग हुए जिनको ज्यादा वोट मिले थे और श्रीक बाकी लोग बच गए हाँ 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 उसके बाद गए निमृत एमसी स्टैन सुंबल और टीना टीना क्योंकि बिग बॉस की मर्जी टीना सुंबल निमृत एमसी स्टैन और निकले निकलेगा दिलचस्प हो गया मान

रेटिंग कैसे शो की इस दफा? आई थिंक लोग के देख रहे हैं उसने हाल से हम हाँ, तो पॉइंट्स के लिए देख हाँ? रहे हैं पता नहीं लोग के हर किसी की मजबूरी होगी अंग बहुत बोरिंग है आपने गेम को दबा दिया आपने गेम को फ्लॉप कर दिया बू

अम्मी में चाय के होता है कभी बिग बॉस नहीं कूता बीच में हल्का हाँ, हल्का कूता बिग बॉस और तो बिग बॉस के अंदर ऐसे चड़पा हुआ है बिग बॉस हाँ, निमृती है बिग बॉस हाँ, ऐसे आराम से हो था अंकित दो चाबियां दिख रही हैं

अंकल बहुत सही बात है घर में, गर में, गर में, गर में गर गर यही होता है और बिग बॉस ने अपने हिसाब से वही करके और बहुत, अच्छा जो आधे घंटे वाले टास्क थे उसमें कठिन थे आधे घंटे आधे घंटे में ने हाँ, हाँ, दो कपड़े बदलने हाँ, थे उतारना था कमरे में जाना अलग बंद बात होगी हाँ, वो तो कंटेस्टेंट ने किया ना बिग बॉस ने टास्क इतना मुश्किल दिया था अब ये इनका वहां भी बोलते ना टास्क ऐसा है कि आपको बाहर आना पड़ेगा ये तरीका नहीं निमृत इस गेम कैसे बढ़ेगा अगर आप कमरे में बंद हो जाएंगी

तो उस तरह अजीब सब बिग बॉस ने बुलाया और, और, और निमरत और शिव और टीना को के साजिद को और अंकित को गंदा करने के लिए हाँ। डाला अंकित का आज तक ना बिग बॉस ने भी सुनाया अंकित सुना कि अंकित जाना चाहता है आज तक सुना कि अंकित ने मुंह से कभी कहा मुझे घर से बाहर जाना भी इस कॉमेंट करके पता मैंने खुद नहीं सुना सुना बस

साहब वापस आएंगी और वो फर्स्ट वीक में निकल गई बहुत जल्दी निकल जल्दी, थी। जल्दी निकल गई थी उनको भी अपना सही टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला जिसका उर्फी याद है उर्फी फर्स्ट वीक निकल गई थी सोचे उर्फी जावेद जिसने आज सोशल मीडिया पे आग लगाई वो बिग बॉस पे आई और हफ्ते निकल गई अब वो आग लगने की बात कॉन्फिडेंस वो कुछ भी नहीं करी थी लेकिन वो जब निकली थी कॉन्फिडेंट थी लेकिन वो जल्दी निकल गई थी सीटी भी जल्दी निकल गई थी अब वापस आके वो उर्फी तब उस टाइम कुछ भी नहीं थी अब उर्फी जैसे अब मैं देखती हूँ फरफर बोल रही है सबके ऊपर अब उसको कॉन्फिडेंस आगे देख के मुझे लाइक्स मिल रहे हैं लोग मुझे पागल हो गए तब वो जरा कमजोर सी थी बस कपड़े

नए बांको नए नोट 40 शालीन, शालीन तो बहुत जिसको बना थोड़ा देख के बंदा शालिनी ऐसे अंकित ऐसे ही अंकित और लास्ट टाइम तो गली प्रतीक था सिम्बा नागपाल कोई तो कोई तो उमर रियाज करण कुंद्रा हां सारे लड़कियाँ थे हां

नहीं है मचोर मैं वो बस लड़के मुझे लग रहा है इस दफा से इससे ज्यादा हमारा बिग बॉस का भी होता है खत्म हमारा शो भी होता है खत्म हैशटैग व्हाट्स द फोर वुमेन है एग्जिस्ट करता है अभी सवाल आएंगे तो कभी इसको शामिल करेंगे हैशटैग नहीं बिग बॉस की बात करेंगे बहुत लंबा चलेगा हैशटैग को बोलता हूं मैं